हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, बी एम एस एस एम एस गांधीनगर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्कृत। संस्कृत 100 मार्क्स के आते हैं बी एम एस फर्स्ट ईयर में, जिसमें 50 मार्क्स व्याकरण पोर्शंस का होता है, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और सारे 50 के 50 मार्क्स आपके फिक्स हैं, ठीक है। 50 में से 45 तो नंबर आपके आएंगे ही, ये अगर अच्छे से आप सीखोगे तो, ठीक है। उसके बाद उधर जो 50 मार्क्स के पोर्शन है उसमें भी नंबर अच्छे खासे उठेंगे आपके, ठीक है। हम बात करते हैं, ये बोरिंग नहीं है जो मन में आप लोगों के मन में बैठा होता है कि संस्कृत सबसे ख़राब और घटिया विषय है, ऐसा नहीं। संस्कृत से अच्छा विषय तो मुझे कोई लगता ही नहीं बीएमएस के पूरे सिलेबस में, क्योंकि इससे नंबर्स आने आसान होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का जो पहला टॉपिक है वो है, जो पहला जो टॉपिक है संज्ञा प्रकरण का वो है क्या, महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र। ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है, कन्फर्मली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र, ठीक है। जो इसका इति महेश्वरानी सूत्रानी आदि संज्ञा अर्थानी, मतलब क्या था, जो महेश्वर सूत्र जो होता है ना, जो 14 ग्रुप्स ऑफ लेटर जो डिराइव हुआ है किसे, लॉर्ड शिवा से या महेश्वर से, उसी को शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र बोलते हैं। जो बिगिनिंग होता है आयुना से, ये 14 लेटर को आपको सीक्वेंस में याद करके ही रखना होगा, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए याद करना हो 14 लेटर तो कौन सी बड़ी बात है भाई, रट लो। नहीं तो ये समझ लो, समझ के याद करोगे तो अपने याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं, दिमाग में 2-3 बार रिकॉल करोगे पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अयुन रुलक योंगा योचा हैब्रट लन गेमंगडनम जबंग्या घटदस जब घटदस खप चटतब कप्य ससर और हाल, ये 14 ग्रुप ऑफ लेटर है, उसको क्या बोलते हैं, महेश्वर सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि महेश्वर सूत्र को बताइए और साथ में पूछेगा प्रत्याहार विधि बताइए, तो प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार जो ये 14 जो महेश्वर सूत्र है ना उससे 42 प्रत्याहार बना हुआ है। कितने प्रत्याहार बना हुआ है, 42, ठीक है। वीडियो के साथ बोलना भी कि क्या बोल रहे हैं, उसमें पूरा कंसंट्रेट करके समझना, ठीक है। प्रतिहार का मतलब क्या था, संक्षेप में किसी चीज़ को कहना, उसको प्रतिहार बोलते हैं। इन शॉर्ट किसी चीज़ को हम कह दिए उसको प्रतिहार बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनप्रतिहार। अनप्रतिहार मतलब क्या होता है, या अच प्रत्याहार हो गया, अक प्रत्याहार, अन प्रत्याहार को पहले समझते हैं। तो इसमें क्या, तीन चीज़ याद रखना, तीन बात एकदम फिक्स रखना। पहला कि किसी भी जो इसका पहला जो अन है, तो पहला लेटर जो है अन प्रत्याहार है, मान लीजिए तो अन इसका पहला लेटर से जो महेश्वर सूत्र स्टार्ट होगा वहाँ से शुरू करना है। और दूसरा इंड वाला लेटर को नहीं लेना है, जो न तक के जो लास्ट वाला लेटर है वहाँ तक के जितने भी प्रत्याहार आए उस सबको उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, दो बात। और तीसरी बात, जो पहले जो हर महेश्वर सूत्र का जो लास्ट वाला लेटर है उसका लोप कर देंगे, ठीक है, अंतस्य लोपम, मतलब अंत वाला जो लेटर आएगा उसका लोप कर देना है। ये तीन बात याद रखो, प्रत्याहार में आप कभी भी प्रत्याहार गलत नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि बात करें अन प्रत्याहार की, मैंने बात किया तो अयू न, तो अ से स्टार्ट करना है, तो पहला लेटर पहला रूल अप्लाई करो, अ से स्टार्ट करना है, तो अ हो गया, तो अ से स्टार्ट किया, उसके बाद इसके बीच में कौन कौन आता है, अयुनम, अयुनम में तो एक ही लेटर है, तो अ ई ऊ, न तक के लिखना है तो न तक के लिख दिया, और क्या करना है, लास्ट वाला लेटर नहीं लेना है तो न को हटा देंगे, तो अ ई ऊ, अ ई और ऊ, इसमें क्या हो गया, अन प्रत्याहार हो गया। तो दूसरा बात करते हैं कि इसमें शुरू करते अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार को देखिए, आयुना रुलक योंगा और योचा, तो योचा अ से शुरू करना है तो अ से शुरू कीजिए, आ ई ऊ ना, ना को रिमूव करना है, क्योंकि तीसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो लास्ट वाला जो हर प्रत्याहार थी सूत्र का जो लास्ट लेटर होगा उसको हटा देना है, तो ना को हटा दी आयुना, उसके बाद रुलक, तो रुलुरुक, तो लुरुक क को हटा देना है, तो रुलुरुक, तो रू अलुरु लिख देंगे, ठीक है। एंगा ए ओ और अंगा को हटा देंगे, फिर ए ओ और च, तो च तक के लिख दिए, तो च तक पुर गया, तो ये सब लेटर किस में आ जाएगा, अच प्रत्याहार में। आप इस प्रत्याहार को बनाने की कोशिश करना सिर्फ तीन रूल से, पहला एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, पहला लेटर से शुरू करना है, अच प्रत्याहार है तो अ से शुरू करना है, और लास्ट वाला लेटर तक के जितने सूत्र आएंगे उसको मेंशन करना है, और हर सूत्र का लास्ट वाला लेटर लोप कर देना है। ये तीन चीज़ याद रखो, आपका प्रत्याहार कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसका, जो इसमें है क्या, जो वर्ण क्या होता है, जैसे कि जो कुछ कुछ लेटर है, जैसे हलंत को पहचान लो ऐसे, अनुस्वार ऐसे, विसर्ग ऐसे लिखते हैं, अवग्रह ऐसे लिखते हैं, वर्ण, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, जिन वर्ण को उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। किसी वर्ण को जब स्वर की सहायता से बोला जाए तो उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क आधा। आधा क का मतलब हो गया, क आधा हो गया, क अ, ये सब जो होता है ना, ये आपका जब संधि पढ़ोगे ना तो उसमें आपका बहुत अच्छा काम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके, स्वर की। स्वर दो तरह का होता है, कि हस्व होता है, कि दीर्घ होता है, क्या होता है,
हस्व होता है, दीर्घ होता है। जिसमें कम टाइम लगता है बोलने में उसको हस्व बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लेता है उसको दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, दो या दो भिन्न स्वर को संयोग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हस्व रूप नहीं होता है। ठीक है, जैसे ए आई ओ और औ, इसमें क्या होता है, हस्व रूप नहीं होता, ये सिर्फ दीर्घ रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ई को ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे लिख दीर्घाई करके हर्षाई दीर्घाई ए आई ओ औ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, वर्गीय व्यंजन, वर्ग के साथ जो व्यंजन होता है इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे जैसे कि क वर्ग हो गया तो क ख ग घ, च वर्ग हो गया च छ ज झ, ट वर्ग हो गया ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ भ भ म। मतलब बचपन की बात यादें ताजा हो गई, बचपन में ऐसे ही था ना। हाँ, ये फिर से शुरू करो, फिर यहाँ आके भी शुरू से करो, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा ना, क्या कर रहे हैं सर। हर वर्ग का पांचवा वर्ग नासिकस्य होता है। देखो नासिकस्य होता है, अब समझो कैसे। देखो हमने महेश्वर सूत्र में क्या पढ़ता है, यमंगडनम नासिका, याद आ रहा है, यमंगडनम नासिका, तो यही है लास्ट लेटर जो नासिका है। अवर्गीय व्यंजन जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, य व र ल व, यह अवर्गीय हो गया। उस्मान व्यंजन, उस्मान जिन व्यंजन को बोलने से, उस्मान उस्मान मतलब हवा निकलती है, हाँ ठीक है, ह स स हवा मतलब हवा निकलने वाली, नहीं हवा हवा मतलब बोलते हैं मुझसे, तब हवा ब्लो करता है बाहर की तरफ, हाँ देखो बाहर की तरफ आ रहा है। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मेल से बना होता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, छ क और स के मिल से, तर त और र के बीच में, ज ज और अंग के मिल करके। ठीक है, अब आता है उच्चारण स्थान, याद कर लो दोस्तों, बुक से भी देख के याद कर लो और यहाँ से। अब क्या होता है, हर आदमी को मैं चार्ट फॉर्म में क्यों समझा रहा हूँ पता है, हर आदमी को परोसा हुआ खाना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि छीटा फीटा खाना दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एग्जामिनर को क्या इस तरह से परोस को दोगे तो नंबर ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर इसको परोस भी दो और सोलो मतलब सूत्र के साथ भी लिख कर दो तो उसको और अच्छा लगेगा, और 10 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा हूँ या फिर BHU NIA कोई भी यूनिवर्सिटी को आप उठा के लिख लो, हर दो साल तीन साल पे ये क्वेश्चन तो फिक्स है संस्कृत का, क्या आता है, हर दो दो साल के गैप करके ये क्वेश्चन आता ही है। एग्जाम क्या होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटर, ठीक है, या उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, तो मैं सूत्र के साथ समझाऊंगा, क्यों मैंने तो, क्योंकि मुझे पेज शॉर्ट करके करना होगा ना इसीलिए। तो कंठ, कंठ का कहता है अकुह विसर्जनियाना कंठ, अ कु, देखिए मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, अ कुह वी सर जनी याना कंठ, आप लोग समझ जाओगे कि इसमें लिखना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। अकुहा विसर्जनी याना कंठ, कंठ से आता है अ, अ अ मतलब कि अ और आ की बात कर रहे हैं, तो कंठ से आएगा। क वर्ग क ख ग घ अंग, जो क वर्ग ऊपर ने बताया वो क वर्ग क्या था, वर्गीय व्यंजन हो गया क। उसके बाद क्या होता है, ह, ह अवर्गीय व्यंजन हो गया। उसके बाद उस्मान व्यंजन जो विसर्ग होगा, ह हो गया क्या, उस्मान व्यंजन अवर्गीय व्यंजन हो गया। ठीक है, तो अकुहा विसर्जन याना कंठ हो गया। तालु, तालु से क्या होता है, इच्यूसाना तालु, ई ची यू, चू चू मतलब होता है च वर्ग, ई च वर्ग, और क्या होता है य और स, ये सब किससे बोलते हैं, देखिए ई च वर्ग य और स तालु से बोलते हैं, तो इच्यूसाना तालु, च छ ज ज वर्ग हो गया। ठीक है, उसका ट वर्ग मतलब क्या था, रिटू रसाना मुर्दा, री 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 दोनों हो गया, और उसके टू, टू मतलब टू वर्ग या ट वर्ग बोल सकते, टू या ट वर्ग मतलब ट ड न, रिटूर र और स, तो रिटू रसाना और क्या मुर्दा हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दंत, तो क्या था, दंत का क्या होता है, लितू लसाना दंता, मतलब ली लिरी टू, टू वर्ग त था टू, तू मतलब ट वर्ग, तथा तो न ल और स, लितु लसाना ये दंता हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते क्या, एक आता है उपधमानिया ओष्ठ, ठीक है, उपधमानिया ओष्ठ होता है। ठीक है, उ उपधमानिया ओष्ठ को समझिए, ठीक है, ओष्ठ उ और उ हो गया, और पावर पु मतलब पावर, उपधमानिया और क्या धमानी, उपधमानिया, उपधमानिया मतलब हाफ सिंबल जो होते हैं ना ऊपर नीचे करके, हाफ विसर्ग, वो हो गया उपधमानिया, और ये उपधमानिया ओष्ठ से यानी लिप्स से बोलते हैं, कंठ ओष्ठा, कंठ ओष्ठा मतलब क्या होता है, वो जो होता है ना उपधमानिया ओष्ठ हो गया। उसके इसके बाद आता है क्या, यमंगडनम नासिका, यमंगडनम नासिका जो लास्ट वाला जो लेटर का ग्रुप था ना वो क्या होता था, वो नासिका से हम बोलते थे। ठीक है, मतलब कि अभी पहले मैंने नासिका बता दिया इसलिए इस चार्ट में वो नहीं है। यमंगडनम यंग यंग म ढ न न ये सब नासिका नोज से बोलते हैं। ठीक है, ये दे तो कंठ तालु, ये दे तो कंठ तालु ए आई, ठीक है, ये दे तो कंठ तालु ए और आई को क्या, कंठ और तालु, कंठ मतलब थ्रोट और तालु मतलब पैलेट्स होता है, दंत ओष्ठ, वो दे तो
मतलब उदय तो कंठ ओष्ठम होता है एक, उदय तो कंठ ओष्ठम मतलब क्या था, इसमें नहीं है, उदय तो कंठ ओष्ठम क्या था, ओ और औ वर्ड जो होता है ना कंठ और ओष्ठ से होता है, ठीक है, मिस्टेक से छूट गया है। उसके बाद बात करते हैं वकारस्य दंत ओष्ठम, व जो लेटर है ना वकारस्य दंत ओष्ठम हो जाएगा। फिर और एक होता है जीवा मूलम मूल्यस्य जीवा मूलम, ठीक है, हाफ विसर्ग जो होता है ना वो जीवा से यानी टोनगी से बोलते हैं, ठीक, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कंठ, कंठ को हम क्या बोलते हैं, जो कंठ, कंठ का मतलब थ्रॉट होता है, ठीक है, गैस्ट्रोल बोलते हैं इसके ओरिजिन को। तालू, तालू का मतलब होता है क्या, पैलेट, उसको पैलेटल बोलते हैं। मुर्धा, मुर्धा से अगर बोल रहे हैं तो उसको क्या होता है, जो सेरेब्रल बोलते हैं, हेड या मुर्धा, ठीक है। दंत, दंत मतलब क्या होता है, टीथ, ठीक है, डेंटल्स ओरिजिन होता है, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होता है कि ओष्ठ को बोलते हैं हम क्या, चंजे मतलब क्या होता है, लेबिया बोलते हैं, ओष्ठ यानी लिप्स या लेबिया बोलिए, ठीक है। उसके बाद कंठ ओष्ठा, कंठ ओष्ठा का क्या होता है, जो मतलब कंठ ओष्ठा हमारा क्या होता है, जो थ्रॉट और लिप्स का आर्टिकुलेशन से हो गया, ठीक है। कंठ, तालू का क्या होगा, थ्रॉट और पैलेट हो गया, और नासिका मतलब नोज से हो गया, ठीक है। और वकारस्य, वकारस्य वह जो होता है ना, दंत और टीथ और लिप्स के कॉम्बिनेशन, जीवामूल मतलब जीवा टोनग्यू से होता है, और नासिका अनुस्वारस्य, ये 11 चीज़ों को याद रखना, ठीक है। एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ इस चार्ट के अलावा भी। पहला होता है अकुहा विसर्जानियाना कंठ, अकुहा विसर्जानियाना कंठ, अकु वर्ग और विसर्ग जो होता है वो कंठ से होता है। इच्यूसाना तालू, ठीक है, ईचू वर्ग की बात करते हैं। रितु रसाना मुर्दा, लितु लसाना दंता, और उपधमानिया ओष्ठो, यमंगडनम नासिका, यदितो कंठ तालु, वदितो कंठ ओष्ठम, और वकारस्य दंत ओष्ठम, जीवामूलस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ये इतना चीज़ें जो आपका हुआ, ये आपका हुआ क्या, उच्चारण स्थान, इसे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उच्चारण स्थान आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आप हम बात करेंगे प्रयत्न, तो वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयत्न होता है ना, तो ये श्लोक ही याद रख कर सकते हो आप, मन हो तो रखना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, ठीक है। वर्णानाम प्रयत्न मतलब यत्नो द्विधा अभ्यंतर बाह्यश्च, मतलब क्या, यत्नो द्विधा, दो तरह का प्रयत्न होता है, अभ्यंतर और बाह्यश्च, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। जो क्या होता है कि दो तरह का होता है, ठीक है। जब बी, आप जब वाइल बी प्रोनंसिएंस करते हैं सिलेबल को, तो आवर ऑर्गन स्पीच अंडर गो सर्टेन चेंजेज एंड क्या होता है, अटेम्प्ट करता है, सच अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं, प्रयत्न ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज प्रयत्न, तो दो मार्क्स में तो इस तरह से कर देना है प्रयत्न को लिखने, मतलब क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन होता है ना, जब स्पीच करने की कोशिश करते हैं तो जो चेंजेज होता है ना ऑर्गन में, जो चेंज करने की जो अटेम्प्ट करता है हमारा बॉडी, माउथ या जो ऐसे आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर मतलब, अभ्यंतर मतलब इंटरनल अटेम्प्ट, और बाह्य मतलब एक्सटर्नल अटेम्प्ट, ठीक है। ये पूछे जा चुके एग्जाम में, तो याद रखना है। अब बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है कि देखिए इंटरनल अटेम्प्ट बोल सकते हैं, अटेम्प्ट डन बिफोर द प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन के जस्ट पहले, प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड से पहले जो जो इफोर्ट होता है ना या अटेम्प्ट होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल अटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पाँच टाइप का होता है, स्पष्ट, अस्पष्ट, इष्ट अस्पष्ट, इष्ट विवृत, विवृत और सवृत, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबको समझेंगे। अस्पष्ट प्रयत्न, क्लियर कॉन्टेक्ट, अस्पष्ट मतलब क्लियर क्लियर कॉन्टेक्ट ऑफ किसका, टोनग्यू का, वेरियस आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन के साथ, वेरियस आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन के साथ, ठीक है। ये माउथ उत नहीं है, गलत है, ठीक है। वेरियस आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन के साथ जो कॉन्टेक्ट करता है उसको बोलते हैं अस्पष्ट प्रयत्न, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हम अभी सब वर्ग को पहले भी बता चुका, लेकिन एक बार देखो फिर से। अब बात करते, बहुत ईजी है, एकदम इजीली समझ में आ रही होगी। ईषद स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न मतलब कि स्लाइट, ईषद का मतलब स्लाइट, स्लाइट टच ऑफ टोनग्यू विद आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, जो स्लाइट टच करता है ना टोनग्यू आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन के साथ, उसको ईषद स्पष्ट प्रयत्न बोलते हैं। अब लेटर जो बिलोंग करता है यन प्रत्यहान, यन यन प्रत्यहार, अभी प्रत्यहार विधि मैंने आपको समझाया, यन तो य व र अल, ये हो गया, य से शुरू करना है और लन तक जाना है, तो य व र और लन में तो ल न, तो ल ही लेंगे। तीन रूल याद है ना, क्या क्या रूल था, पहला रूल क्या था, जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है वो लेटर क्या, महेश्वर सूत्र में होना चाहिए, वो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है। लास्ट लेटर इन कहाँ पे होगा, जो महेश्वर सूत्र के लास्ट लेटर जहाँ पे इन करेगा, उस दोनों के बीच के सारे सूत्र को लेने हैं, और सारे सूत्र का लास्ट वाले लेटर को हटा देना है, समझ में आ रहा है ना, वही प्रत्यहार था। तो सेमी भौवल कहते हैं, ठीक है, इसको सेमी भवल, ईषद स्पष्ट प्रयत्न को एरकल्ट सेमी भवल बोलते हैं, ठीक है। ईषद विवृत, ईषद विवृत मतलब, विवृत मतलब ओपनिंग होता है, ईषद मतलब स्लाइट, तो स्लाइट ओपनिंग, ओपनिंग या इलिवेशन ऑफ माउथ को बोलते हैं ईषद विवृत बोलते हैं। टू अटर द लेटर इज कॉल्ड अस्मन, उस्मन, स स स ह, और इंटरनल रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, ईषद विवृत बोलते हैं, ठीक है। ईषद विवृत ही लिखना है, ऐसा ना कि इंग्लिश में दे रहे हो पेपर तो ईषद विवृत को इंग्लिश में लिख देना, यही लिखना होता है, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड का कोई इंग्लिश नहीं होता। विवृत, विवृत मतलब कंप्लीट ओपनिंग और इलिवेशन ऑफ माउथ होता है, ठीक है। टू अटर द वोवेल,
द इंटरनल इफोर्ट इज कॉल्ड विपरीत बोलते हैं। अच प्रत्याहार के वर्ब, अच प्रत्याहार अभी देखो, तुरंत अच प्रत्याहार पढ़े हैं। अच 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 मतलब अ से शुरू होना चाहिए, पहला रूल लगाओ। अयुना तो अयुना रूलक, यौगा योचा तो अयुना में क्या आ ई ऊ को लेंगे, ठीक है। तो आ ई ऊ और ना को हटा दे रहे, ना को क्यों हटा रहे, तीसरे रूल की वजह से। तीसरा जो हमने बताया आपको अपना रूल है वो उसका रूलक, रूलक रू लुरु और का को हटा रहे हैं तीसरा रूल की वजह से। ए आई ए ओ हटा रहे हैं, ए ओ और च को हटा रहे हैं किसके लिए, यंगा को हटा रहे हैं किसके लिए, तीसरे रूल की वजह से। आई ओ को और ना यानी दोनों के बीच में आ, च यो च जो दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये प्रत्याहार अपना हो गया। अच प्रत्याहार के वर्ण क्या होता है, विवृत में यूज करेंगे, ठीक है। उसका सबवृत, सबवृत मतलब क्या होता है, कंट्रेक्टेबल कंट्रेक्टेड माउथ, माउथ को कंट्रेक्ट करके किसी चीज़ को बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सबवृत। हस्ब आ तो हस्ब आ में माउथ को कंट्रेक्ट करके बोलते हैं ना, तो इसको इंटरनल इफोर्ट के अदरवाइज विवृत, इंटरनल इफोर्ट बोलते हैं सबवृत, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बाह्य प्रयत्न, मतलब एक्सटर्नल इफोर्ट, जो किसी वर्ड को मतलब क्या था, अटेम्प्ट डन आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, वो क्या था, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से पहले था, ये वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बाद होगा, ठीक है। ये 11 टाइप का होता है, वाह 11 टाइप का होता है, हाँ 11 टाइप का होता है। विवार, विवार मैंने मतलब कि वी वार, मतलब क्या वी वार, एक्सपेंशन ऑफ थ्रॉट, थ्रॉट को विवार जोर से हार्डली एक्सपेंशन करेंगे। सवार कंट्रैक्ट करेंगे थ्रॉट को सॉफ्टली, सवार हाँ। उसके बाद श्वास, श्वास मतलब लॉन्ग और डीप रेस्पायरेशन करेंगे, श्वास नाद हाई साउंड में बोलेंगे। घोष सॉफ्ट साउंड में यूज करेंगे, अघोष हार्ड साउंड में यूज करेंगे, ठीक है। हार्ड साउंड में प्रोड्यूस करेंगे अघोष। अल्पप्राण लो एस्पायरेशन, महाप्राण डीप एस्पायरेशन, ठीक है। उदात ये सब जो ऊपर अब सात जो पहला आठ है ना, वो किसके लिए, कंसोनेंट के लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, कंसोनेंट के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, कंसोनेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद उदात अनुदात और स्वरित, उदात मतलब भवेल अल्टर्ड इन अपर हाफ, अपर हाफ जो होता है ना, जो आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन का अपर हाफ होता है उसमें उदात के लिए, और अनुदात मतलब भवेल अल्टर्ड इन लोअर हाफ, अनुदात और स्वरित जो मिडल ऑर्गन का यूज करते हैं, मिडल पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन का यूज करना चाहिए, लिफ्ट लिप पैलेट वगैरह इस सबका, उसको स्वरित बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अब यही सी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्रयत्न, इस चार्ट को आप समझ सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ भवेल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ ये आता नहीं है, पता नहीं क्यों ये चैप्टर मैजिकल चैप्टर कह सकते हो, कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं अब तक, जो 2013 से 20 तक के क्वेश्चन को उठा के देखो तो हर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि ये मैजिकल चैप्टर है, हर जगह से उठा के पूछा है। देखो द बेसिंग ऑफ द मतलब प्रोसीडियर लेंथ भवेल, दे आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप, हस्वा दीर्घ और पुलुत, ठीक है। हस्वा मतलब शॉर्ट भवेल, इस साल भी यही क्वेश्चन पूछा है 2020 में 21 में। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंसिएट ए शॉर्ट भवेल इज कॉल्ड मात्रा, वन मात्रा यूनिट, अ ई उ रु अलरु, ठीक है। इसमें जो होता है ना मतलब संयुक्त जो होता है उसका नहीं दीर्घ, लॉन्ग भवेल, लॉन्ग भवेल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंसिएट ए लॉन्ग भवेल इज कॉल्ड टू मात्रा, दो मात्रा का समय लगता है दीर्घ में, ठीक है। जैसे आ ई उ रू ए आई ओ औ, ये हो गया दीर्घ। उसके अंदर पलुट, पलुट मतलब प्रोनेटेड जो था ना, प्रोटेटेड प्रोट्रेक्टेड भवेल, प्रोटेक्टेड भवेल क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंसिएट ए पलुट भवेल इज कॉल्ड थ्री मात्रा होता है, ठीक है। आ ई उ रु ए आई ओ औ होता है, ठीक है। अब इस प्रत्येक को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में, ये तीन हो गया हस्व दीर्घ पुलुत, तो तीन को फिर तीन पार्ट में, तीन क्या नौ हो जाएगा, तो क्या होगा उदात उदात अनुदात और स्वरित, अभी तुरंत बताया उदात मतलब अपर आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, अनुदात मतलब लोअर आर्टिकुलेटिंग लोअर हाफ ऑफ आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, और उदात मतलब अपर हाफ ऑफ आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, स्वरित मतलब मिडिल पार्ट जो था लिप्स आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन, ठीक है। अब इसको फिर तीन तीन नौ हो गया, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्वर फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या अनुनासिक और अनअनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक मतलब लेटर आर्टिकुलेटेड इन द माउथ इन द एसोसिएशन ऑफ नोज, नोज के साथ होता है अनुनासिक, अनअनुनासिक मतलब विदाउट नोज, लेटर आर्टिकुलेट करें किसे माउथ, विदाउट एसोसिएशन ऑफ नोज, बगैर नोज से जुड़ा हुआ था अनअनुनासिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या इसको चार्ट फ्लो के फॉर्म में जो 18 ग्रुप है उसको कैसे बनाएंगे। देखो अ ई उ रु हो गया था, हस्व दीर्घ पुलुत हो गया, उदात अनुदात स्वरित, कितना तीन का, ये तीन हो गया, इसका तीन हो गया, इसका तीन हो गया, था कितना तीन तीन नौ हो गया, और फिर इसका तीन का अनुनासिक और अनअनुनासिक, इस तरह का चार्ट फ्लो को बना के दोगे एग्जामिनर एक नंबर काटेगा नहीं आपका, अनुनासिक और अनअनुनासिक, फिर इसके तीनों के फिर अनअनुनासिक, ये देखो यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये तीनों का है, इसका लिखो फिर इसका लिखो फिर इसका लिखो फिर ये तीनों का लिखो, और इसका क्योंकि मैं तीनों का लिखूंगा तो मेरा पेज खराब हो जाएगा ना, अनुनासिक और अनअनुनासिक, इस तरह से तीनों का क्या हो गया, देखिए तीन था और ये तीनों का तीन थी नौ हो गया, और फिर इस दोनों का दो गुना करेंगे तो
18 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्या, हस्व दीर्घ पुलुत, उदात अनुदात स्वरित, फिर सबका उदात अनुदात स्वरित और फिर दुनिया, तो यानी 18 टोटल लेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात चार्ट में लिखने नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिख करके सबको 18 सजा करके मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ठीक है, लुरु हैज मॉडिफिकेशन करते हैं कि मॉडिफिकेशन ड्यू टू लैक ऑफ इट्स लॉन्ग फॉर्म के वजह से, लुरु को भी हस्व और दीर्घ के फॉर्म में, फिर वही फिर कहानी जो ऊपर में समझाया गया उसी को, जितने वर्ड का बनाओगे उतने वर्ड का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 12 मॉडिफिकेशन है, ए आई ओ आउ, ठीक है, मॉडिफिकेशन दीर्घ पुलुत, फिर उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, फिर सेम कहानी वही जो पहले ऊपर में हमने पढ़ा है वही कहानी है। ठीक है, इसको समझना है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, पहला चैप्टर, यानी आपका इस चैप्टर को वीडियो को देखने के बाद आपका 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपको इस चैप्टर में हो तो आप हमको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके हमें बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।